आपका शायद 19 मिनट लगा था ना इनका? जी जी 19 मिनट इनका लगा था और 20 मिनट पीछा, 20 मिनट पीछा, 20 मिनट लगभग लगा था। अच्छा, हो सकता है कि पीच पे दौड़ते समय आप लोगों को पैर में चुभ रहा हो, ठीक है। अच्छा, ये आइडिया है आपको कि आप जहाँ पे जाइएगा फाइनल दौड़ने के लिए तो वहाँ पे ऐसा पीच नहीं मिलेगा, इसके कोई आइडिया है आपके पास? नो सर, नहीं ना आइडिया है? नहीं सर, मतलब टूटा हुआ रोड पे भी दौड़ा था? हाँ, कुल मिलाकर हम लोगों को तैयारी एक जंगल था, वहां पे तीन शेर रहा करते थे, एक बूढ़ा था, एक बीमार था और एक जवान था। अब आप सोच रहे हो कि ये शेर की कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, तो पहले कहानी सुन लो फिर आगे की कहानी बताता हूँ कि आखिर ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। अब वो तीनों को वो जिंदा रहने के लिए भोजन तो चाहिए होगा, लेकिन तीनों में अब सोचो कि वो भोजन कौन एकत्रित कर पाएगा। और यही जस्ट आपके सामने SSC और कोई भी डिफेंस जिसमें आप हर तरह से, जिसमें फिजिकल रिटेन और मेडिकल की जरूरत है, उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जरूरत है। अब हम उसमें बता रहे थे ना कि एक जंगल था जिसमें तीन शेर थे, एक जवान था, एक बूढ़ा था और एक बीमार था। अब उसमें जो बूढ़े हैं, एक्सपायरी एज वाले विद्यार्थी हैं जिसका नौकरी नहीं हो पाया, वो आपको निगेटिविटी फैलाते हैं, आपके आपके दिमाग में निगेटिव थॉट लेकर के आते हैं कि नहीं, दौड़ करके कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो बूढ़े शेर है, मतलब वो खुद नहीं कर पाया तो इसलिए आपको भी निगेटिव दिमाग में डाल रहे हैं। हो सकता है कि उनका फिजिकल या शायद हो सकता है कि लगन और जुनून के साथ मेहनत ना किए हों इसलिए वो असफल हो। और दूसरा जो बीमार था, बीमार का मतलब वो बताते हैं जो मतलब विद्यार्थी हैं आप ही के जैसे, ना खुद कुछ मेहनत करना चाहते हैं और ना ही आपको करने देना चाहते हैं, मतलब वो स्वयं बीमार है और आपको भी बीमार करके रखना चाहते हैं। एक जवान है जो चाहे मौसम धूप हो, बारिश हो, ठंडा हो, कुछ किसी भी मौसम में हर हाल में अपने भोजन के लिए, मतलब अपने कर्तव्य के लिए संघर्षशील है, तो वो जवान है। अब आपको सोचना यह है कि ये तीनों में से जंगल में शेर जब आपको तीनों मिल जाए तो तीनों में ज्यादा पसंद कौन आएगा, बीमार वाला आएगा या बूढ़ा वाला आएगा या फिर जो अभी जवान है अपना भोजन स्वयं अपने हाथ पर चला करके ले रहा है वो है। कहना ये चाहते हैं कहानी के माध्यम से कि आप वैसे विद्यार्थियों के साथ में रहिए, वैसे लोगों के साथ में रहिए, संगत में रहिए जो कहीं ना कहीं मोटिवेट करे, डीमोटिवेट आपको ना करे कि आप बेहतर लाइफ में कर पाओगे। जैसे कि आप वीडियो देख करके भी बैकग्राउंड में कुछ आपको दौड़ते हुए बच्चे नजर आ रहे होंगे, ये कहीं और के नहीं बल्कि हमारे ही स्टूडेंट है हमारे पास जो रहते हैं। मैं कुल मिला के इन लोगों से यही रोज बोलते रहता हूँ कि रोज का अध्ययन ही आपको सफल बनाएगा। अब ऐसा नहीं कि कॉल लेटर हाथ में ले लिए और तब लग गए एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तब आप सफल नहीं हो पाओगे। सिर्फ अपने आप के साथ तो कॉमेडी कर ही रहे हो, अपनी भावनाओं के साथ भी खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमको अगर सफलता चाहिए तो लगे रहना चाहिए, क्योंकि सफलता कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि इसको डेस्टिनेशन बना करके जीना चाहिए, एक सफर बना के जियो। कि हमको रोज का डोज चाहिए, रोज का डोज चाहिए कि मेरे को पर डे एवरीडे कुछ ना कुछ करना है। जैसे जैसे सब कोई जानता है कि पहले रिटर्न होने वाला है, रिटर्न के बाद जब रिटर्न क्वालिफाई आप करते हो दैट कंडीशन में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल जब आपका सब कुछ ठीक हो जा रहा है उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होगा तो अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दैट आफ्टर ऑल आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग होने वाला है। इतने सारे प्रक्रियाएं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं तो ये एक जर्नी बना के जीना होगा ना। अब ऐसे सफल मान लिए कि भाई रिजल्ट हो गया हमारा तो हम हो गए भाई, SSC हमारा फाइनल हो गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक लक्ष्य बना करके मत जियो, बस एक सफर बना करके चलते रहो, चलते रहो, क्योंकि सफर एक ऐसा अनुभव आपको देता है, या तो अच्छा एक मुसाफिर बन जाओगे नहीं तो एक अच्छा चालक बन जाओगे, मतलब कुछ ना कुछ आपको आपके लाइफ में बेहतर मिलेगा अगर बेहतर रणनीति के साथ चलते हो, स्ट्रेटजी आपका फुल एंड फाइनल और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है तो, नहीं तो असफलता तो आपके पीछे घूमिए रहा है हर हमेशा। मतलब कहने का मतलब ये है कि खुद को इतना मेहनती बना दो, इतना ताकतवर बना दो, इतना उस काम में झोंक दो, खुद को जला दो कि जिस दिन उसमें से बाहर बन के निकलो ना हीरा बन के निकलो, जिसकी चमक पा करके जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी है, जो तुमसे जलसी रखने वाले हैं, उनकी आंखें चौंधी आ जाए, इतना खुद को तपाओ उस आग में। और ये तभी होगा, देखो मेहनत करोगे ना, मेहनत करते हुए देख करके भी तुम्हारे जो अपने होंगे, जो तुम्हारे से ईर्ष्या रखने वाले होंगे ना, वो लोग भी देख करके तुम्हें जलेंगे, जलसी फील करेंगे, अच्छा लगता है लोगों को। अगर आप लोगों ने आप सब लोग पास कर ही गए हैं, आपका शायद 19 मिनट लगा था ना इनका? जी जी 19 मिनट इनका लगा था और 20 मिनट पीछा, 20 मिनट पीछा, 20 मिनट लगभग लगा था। अच्छा, हो सकता है कि पीच पे दौड़ते समय आप लोगों को पैर में चुभ रहा हो, ठीक है। अच्छा, ये आइडिया है आपको कि आप जहाँ पे जाइएगा फाइनल दौड़ने के लिए तो वहाँ पे ऐसा पीच नहीं मिलेगा, इसके कोई आइडिया है आपके पास?
नो सर नहीं ना आइडिया है नहीं सर। मतलब टूटा हुआ रोड पे भी दौड़ा सकता है। कुल मिला के हम लोग को तैयारी भी उसी लेवल का होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ट्रैक पिच का है या मिट्टी पे दौड़ा रहा है या बालू पे दौड़ा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम लोग को बस यही ध्यान में रखना है, कहीं पे भी दौड़ा हमको दौड़ना है। एक बात और आप लोग को बताएंगे दौड़ के पीछे, जब भी 5 किलोमीटर का रेस किया जाता है ना, तो शुरुआती राउंड जो होता है ना ट्रैक, अगर हमें मालूम है शुरुआती दौड़ जो होता है वो हमेशा मुंह बंद करके हमेशा और बिल्कुल स्लो मोशन में जितना स्लो भाग सकते, काटना नहीं है सामने वाले को, आखिरी राउंड में काटना है। काटना समझते हैं ना, मतलब सामने वाला जो आगे हमारे सामने जा रहा है हमको उसको हराना है। एक चीज 5 किलोमीटर का रेस और बताता है, ना सबसे पीछे रहा जाता है ना सबसे आगे, मतलब मीडियम चाल में अपना ऐसे चाल को एडजस्ट कर लिया जाता है। अप्रोक्स कितना 15-20 का स्पीड अगर मेंटेन करके चल रहे हैं आप तो ठीक है। लास्ट में जब देखे कि लास्ट राउंड में हम जा रहे हैं तब वहाँ पे 30-40 का स्पीड आपको, एटलीस्ट 40 की स्पीड आपके पास है तो समझिए कि 5 किलोमीटर रेस का मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ऐसे ना समझ और कुछ लोग जो बिना जानकारी के काम करते हैं वो यही करते हैं कि पीच पे हमारा पैर में ये हो जाएगा वो, कोई बात नहीं है, हम जख्मी तो होंगे ना, क्योंकि सिर जितना ही जख्मी होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लग मारता है, सबको मालूम होता है। तो कभी भी ये सोच के नहीं रखना चाहिए कि ट्रिक कैसा है ये कैसा है, बस प्रॉपर वे में अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वो अनुभव कुछ ना कुछ बेहतर आप लोगों को आज मिला होगा, बहुत अनुभव मिला होगा कि 5 किलोमीटर रेस कहीं ना कहीं हम लोगों को दौड़ना है और हर हाल में पास कर ही जाना है। और इतना कन्फर्म हम भी बता रहे हैं कि अगर दौड़ जाइएगा तो कोई भाई का जन्म नहीं दिया कि आपको हरा दे, बस दौड़ना है, हारना नहीं है रुक के, क्योंकि रुक जाओगे दौड़ते रहोगे तो पास हो जाओगे और रुक गए तो रुक गए, ठीक है। आपके साथी मित्र लोग जो आना चाहते थे नहीं है कोई बात नहीं है, प्रयास करेंगे वो लोग भी ज्वाइन करने का, ठीक है। अब तो संडे का संडे ही हम ये करा सकते हैं क्योंकि सबको मालूम है क्लास है, अब क्लास को तो छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि फिजिकल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि रिटर्न। पहले रिटर्न में आपका रिजल्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल होगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि दोनों के लिए प्रॉपरली हम लोग को तैयार रहना है, क्योंकि मौका जानते हैं मौका बनाया नहीं जाता है, अपने अनुसार एडजस्ट किया जाता है। मौका हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ मिलते रहता है, डिपेंड करता है कि मौका पे सही मौका पे सही समय पे कौन बेहतर रणनीति के साथ काम किया है, ठीक है। चलिए फिर अगले संडे को देखते हैं कि अगले संडे को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। आने जाने का ट्रिक आप लोग को शायद आज आप लोग को मालूम है, पहले राउंड जाना है फिर यहीं पे आना है फिर से जाना है और फिर वहाँ पे जहाँ पे हम बाइक खड़ा किए थे वहीं पे आकर रुकना है, तब जाकर के आपका, हाँ अब तो समझ में आ जाएगा ना, पूरा आइडिया समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, जूता अगर चाहते हैं तो प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन, क्योंकि खाली पैर भी हम लोग को दौड़ने के बारे में आइडिया रखना है, ठीक है। और जूता पहन के भी हो सकता है कि जाते हैं तो बोल देता है डिफेंस एकेडमी वाला कि नहीं आपको शूज पहन करके नहीं दौड़ना है, खाली पैर दौड़ना है, कंडीशन दे देता है। आप लोग को शायद नहीं दौड़ने गए होंगे, आइडिया नहीं है हमको है, ठीक है। व्यक्तिगत बीती बात हम बताते हैं जो हमारे साथ बीती हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग को दोनों में आदत है, मतलब जूता पे भी हम लोग को दौड़ना है विदाउट शूज भी दौड़ना है, कुल मिला कर लगे रहना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा लोग बोलता है कि हाई जंप नहीं मांगता है, लॉन्ग जंप नहीं मांगता है, SSC GB से रेस मांगता और आपका चेस्ट मांगता है, बिना फुलाए आपका कितना होना चाहिए 80, आप फुला करके कितना होना चाहिए 50, समझ गए ना। तो लगभग सबका चेस्ट है और उतना है लगभग हम जिस जहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इसके बाद इंसिटिव थोड़ा सा सुविधा नहीं है, अभी नहीं लेके आए लेकिन अगले बार वो भी ट्राई किया जाएगा, ठीक है। लगे रहिएगा, कम दौड़िए ज़्यादा दौड़िए, जब भी दौड़ने का प्रयास कीजिएगा मुँह बंद, ठीक है। दौड़ का ये पहला मूल मंत्र है, ठीक है। और दौड़ के कभी भी खड़ा आराम से निश्चिंत नहीं होगा जाता है, ये जांग फंस जाता है, ठीक है। ये फंसेगा और यहाँ पे फंसेगा, फंसना नहीं चाहिए, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, फिर ऐसे ही लगे रहिए, कभी ना कभी मुकाम जरूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारी सुबह की थी, सुबह में कुछ लोग आए थे और वो दौड़े थे, दिखाए थे कि दौड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है, लगे रहना चाहिए। और हर रोज हम तो ये बोलेंगे कि जिस तरह से सुबह में मॉर्निंग में आप लोग बिल्कुल सामने आपके सामने हम भी थे उस टाइम जैसे दौड़े, वैसे खुद के प्रति ऑनेस्ट बन करके जहाँ भी रहो दौड़ो, बिल्कुल मेहनत करते रहो और क्रमवार मेहनत, ऐसा नहीं कि एक दिन 5 किलोमीटर दौड़ लिए और एक महीना निश्चिंत हो गए तो भी कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल क्रम बताओ। 5 किलोमीटर रेस की जहाँ तक मुझे मेरा व्यक्तिगत अनुभव सुनिए तो 5 किलोमीटर रेस की जो शुरुआती बिगनिंग पॉइंट होता है ना, बिल्कुल स्लो मोशन में दौड़ा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जब खुद को एडजस्ट कर लो तो थोड़ा बहुत पिकअप को अपने डेवलप कर सकते हो, मतलब स्पीड में थोड़ा सा ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन शुरुआती जो होना चाहिए बिगनिंग पॉइंट जो होना चाहिए बिल्कुल स्लो मोशन में खुद को एडजस्ट करके आगे बढ़ो, उसके बाद धीरे 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 पिकअप को और एडजस्ट कर लो और आगे बढ़ा, लेकिन शुरुआती दौर क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्लो मोशन में होना चाहिए।
उसके बाद धीरे 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 गति को बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गति जब धीरे धीरे मोशन आपका बन जाएगा उसके बाद गति पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पहले रिटर्न, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, तब होगा आपका ज्वाइनिंग। और इसके लिए हमेशा लगे रहिए, मैं तो आपके लिए रोज कुछ ना कुछ बेहतर लेके आते रहता हूँ। क्योंकि एक बात और तय है कि खुद को बिजी रखो, खुद को इतना ज्यादा बिजी रखो कि किसी की बुराई ना करने की फुर्सत हो, ना किसी की बुराई सुनने की फुर्सत हो, अपने आप में बिजी रहो, खुद को बिजी रखो, बस सफलता तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे आगे रहेगी, ये समझो कि तुम्हारे आगे रहेगी, बस सफलता पे चढ़ने की देरी है। सफलता एक सफर बना के जियो, कोई मंजिल नहीं कि ऐसे पहुंच गए हो गया भाई बात खत्म, दैट्स इट, नहीं, वो एक सफर बना के जियो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।